24x7 और मैं तरुण प्रताप सिंह। इसमें मेरे साथ एक सज्जन मौजूद हैं जो कल रात में मेरे साथ मुझे मिले थे बनारस में, मेरे मित्र अरुण को मिले थे बनारस में गोदवलिया चौक पर। ये पूरे भारत भ्रमण पर निकले हैं, पहले आइए जानते हैं ये हैं कौन और कहां से आए हैं और किस उद्देश्य के लिए भारत भ्रमण कर रहे हैं। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम महेश सागर है, मैं पुणे से हूँ, महाराष्ट्र से, और मैं पूरे देश की यात्रा पर हूँ। इस यात्रा में मैं देश के करीबन 20 राज्य 20,000 किलोमीटर 200 दिन में पूरे करूंगा। अभी मैं यूपी में हूँ, यूपी ये मेरा 10वां राज्य है और मैं करीबन 10,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुका हूँ। कितने दिन पहले आप निकले थे महाराष्ट्र? हाँ, मैं महाराष्ट्र से निकल कर अभी 4 महीना हो जाएगा करीबन। 4 महीने पहले आप निकले, किस उद्देश्य के लिए निकले, मतलब क्या उद्देश्य है आप? एक तो मुझे मेरा देश देखना था कि मेरा देश कैसा है, इंडिया कैसा है, ये भी मेरा ख्वाहिश था कि कभी ना कभी मैं पूरा देश देख पाऊँ, एक झलक में पूरा देश। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यात्रा की जाए और मैं ये यात्रा कर रहा हूँ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज अवेयरनेस के लिए। मैं स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाके बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए प्रोग्राम लेता हूँ। डेली मैं एक स्कूल में प्रोग्राम लेता हूँ। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का मतलब जो बच्चों के साथ जो एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस आ रहा है उसके विरोध, मतलब उसके खिलाफ आप पूरा? हाँ हाँ, मैं कठुआ भी गया था, कठुआ में आशुबा के माता पिता जम्मू से मिला। आप मिल के आ रहे हैं? हाँ, जम्मू। क्या देखा जम्मू के माहौल और भारत के अन्य क्षेत्रों में, क्या अंतर आपको? अरे नहीं, लोग तो सब जगह अच्छे ही है, मुझे तो हर जगह में अच्छा अनुभव आया। जम्मू कश्मीर में मेरे साथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, वहाँ के भी लोग आम ही है, उनको ये पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। ये जो टीवी पे दिखा दे वैसा तो कुछ वहाँ पे मुझे दिखा नहीं, क्योंकि मैं 15 अगस्त के दिन वो भी लाल चौक में जहाँ पत्थरबाजी होती है, जहाँ पे AK-47 लेके सब मिलिट्री खड़ी हुई थी, तो मैं तो घूम रहा था वैसे, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं महसूस। अभी आप कहाँ जाने वाले इसके बाद? अभी मैं यहाँ से बोध गया हूँ, कलकत्ता जाऊँगा। कलकत्ता से कोस्टल रूट से, मतलब समुंदर के किनारे किनारे से कन्याकुमारी तक, मतलब कल उड़ीसा होते हुए। हाँ हाँ, मतलब अभी मेरा नेक्स्ट डेट स्टेट होगा बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी, कन्याकुमारी, वहाँ से घूम के केरल, कर्नाटक, गोवा से लेकर महाराष्ट्र में 12 जनवरी 2019 को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे हम यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन मैं मेरे घर से। तो मतलब ये यात्रा 12 जनवरी को समाप्त होती है, तो अभी तक की यात्रा कैसी रही, मतलब क्या अनुभव रहा? अलग अलग हिस्सों, आप 10 राज्यों में गए, 10वां राज्य उत्तर प्रदेश। हाँ, हम एक हमारे मन में एक भय होता है, एक डर होता है कि हमारे कम्फर्ट जोन को छोड़कर हम बाहर निकलना नहीं चाहते। हमारे गांव मोहल्ले के बाहर हम जाते तो हमें डर लगता है, यार ये तो नई जगह है, नए लोग हैं, कैसा होगा क्या होगा, ऐसा कुछ है नहीं। इंडिया बहुत ही बढ़िया देश है, हर जगह पे मेरा अच्छा प्रबंध हुआ रहने का, खाने का, और कहीं भी किसी भी तरह की मुझे क्लाइमेट का छोड़कर इंसानों की ओर से मुझे कभी भी कुछ तकलीफ नहीं हुई, बल्कि इंसानों ने मुझे हमेशा सपोर्टिंग किया और कोऑपरेट किया। आप पेशे से करते क्या हैं, मतलब आप प्रोफेशनल? हाँ, मेरा BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुआ है। मैं अभी सिविल सर्विस के लिए एग्जामिनेशन की तैयारी करता हूँ पिछले 2 साल से, और मैंने इसके पहले कुछ काम किया है, जॉब किए है, और मैं साथ में स्पोर्ट प्लेयर भी हूँ। मैं ट्राई एथलीट हूँ, जिसमें स्विमिंग, रनिंग और साइकिलिंग, ये तीनों खेल शामिल होते हैं। आप गाड़ी से जा सकते थे पूरा भारत ट्रैवल कर सकते, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, आपने क्यों यही सुना, मतलब साइकिल? मुझे साइकिल चलाना पहले से बहुत पसंद है, बचपन से मैं साइकिल ही ज़्यादा करके चलाता हूँ। मेरे पास गाड़ी है नहीं, मैं गाड़ी से कभी ट्रैवल नहीं करता, मैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी साइकिल पे ही गया हूँ। और साइकिल चलाना मुझे इसलिए भी पसंद है कि भाई 80 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ है और 40 रुपये का दूध आता है लीटर, तो 2 लीटर दूध पियो और साइकिल चला, वो गाड़ी को क्यों 80 रुपये का तुम रोज़ पेट्रोल पिला रहे हो? तो उससे अच्छा है कि भाई 50,000 की गाड़ी लेने से तो अच्छा है कि 50-60 हज़ार का अच्छा ब्रांडेड साइकिल लो, तो अच्छा दौड़े, अच्छा भागे। यहाँ के लोग 4,000 का साइकिल लेके दौड़ते हैं, तो वो भागता ना, उनको लगता है ये साइकिल से अच्छा तो गाड़ी है, साइकिल भी बहुत अच्छे मिलते हैं, 40-50 हज़ार, 2 लाख 2.5 लाख, 12-12-15-15 लाख के साइकिल मिलते हैं। आप गाड़ी लोगे, आपका गाड़ी रहेगा 50,000 का समझो, तो आप 100 रुपये का रोज तेल पिलाओगे गाड़ी को, तो महीने का 3,000 और साल का 36,000 हो गया। 5 साल चलाओगे तो 3 लाख रुपए, तो 50,000 की गाड़ी 3 लाख का 5 साल में पेट्रोल पी लिए, तो 3 लाख पेट्रोल में गाड़ी को पिलाने से अच्छा है भी 2 लाख का साइकिल ले लो। तो ये कितने की साइकिल है? ये 40,000 की साइकिल है। ये
ये बताइए, अचानक प्लान बनाया कि ये पहले से प्री प्लान था, मैंने पहले से कोई सोचा रखा था शुरू में यही भारत यात्रा करनी है? हाँ, मुझे बचपन से साइकिल चलाने का और घूमने का शौक रहा है और मैं हमेशा घूमना चाहता था, तो मैंने प्लान किया एक महीना पहले कि कैसे किया जाए, कौन कौन से राज्यों से चला जाए भारत के, और फिर मैंने 20 राज्य चुने यात्रा के लिए। मैं नॉर्थ ईस्ट में गया, मुझे फिर मेरा वो मतलब टाइम से ज़्यादा हो रहा था। ये आखिरी कोई संदेश देना चाहते हैं, कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हो हमारे भाई? हाँ, मैं मैसेज ये कन्वे करना चाहता हूँ कि भाई बच्चों की तरफ ध्यान दें, बच्चे की बातें सुने, और इस विषय में अगर बच्चा कुछ बोल रहा है तो समझदारी से काम ले, चाइल्ड हेल्पलाइन का सहारा ले, और हमारा कल का भविष्य। कोई स्पॉन्सर भी कर रहा है क्या आपको? नहीं, ये सब मैं मेरे जेब से खर्चा कर रहा हूँ, जो भी रहना खाना पीना हुआ। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजमेंट के खिलाफ इनकी पूरी यात्रा भारत की, करीब 20 राज्यों में आप यात्रा करने वाले हैं। 10वां राज्य है उत्तर प्रदेश, जहाँ अभी खड़े हैं ये वाराणसी है, और ये बहुत ही अनूठा और बहुत ही प्रेरणादायक कहा जाए कदम तो गलत नहीं होगा। और अपने खर्चे पर यात्रा करें, अमूमन लोग भारत यात्रा तो करते हैं इस तरह के आंदोलन के लिए, पर वो स्पॉन्सरशिप होता है यानी दूसरे के सहयोग से होता है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, उम्मीद करते हैं 12 जनवरी को जब आप अपने घर लौटें तो स्वस्थ हों और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करें। कैमरा पर्सन अरुण श्रीवास्तव के साथ मैं तरुण प्रताप सिंह, TNN 24/7 के लिए नमस्कार।